देखिए, जब जब झारखंड प्रदेश में चुनाव होता है, चाहे आप सिमडेगा का उपचुनाव देखें, सिमडेगा चुनाव में अंदर भेज देना, जनरल इलेक्शन हुआ 2019 में तब भी भेज दिया, आपका इधर फिर जो आपका मांडर उपचुनाव का घोषणा होता है उसमें आपका फिर सीबीआई का छापेमारी होता है। बढ़िया है, छापेमारी हो, जांच हो, बिल्कुल उसमें आपका उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सीबीआई के पदाधिकारियों को मैं ये भी मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके पूर्व में जो जांच हुई थी क्या मिला, और आज जो छापेमारी हुई है जांच उसमें क्या मिला, ये सार्वजनिक इसको किया जाना चाहिए, चूँकि राज्य की जनता इसको जानना चाहती है। दूसरी बात हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो गैर भाजपाई जो लीडर, विशेषकर ट्राइबल लीडर हमारे जैसा, हम सबको इसमें ही नहीं लेते हैं, मेरा एक अपना कैटेगरी है, चाहे सदन में हो चाहे आप लोग हमको देखे हैं, तो ऐसे लीडरों को पचा नहीं पाता है। और देख रहे हैं बार बार, एक तो मुझे बताइए किसी तरह का कुछ नहीं, प्रमाण नहीं मिलने के बावजूद हमारा 6 लाख में देश में पहला ऐसा केस होगा, देश में 6 लाख में मेरी विधायिका चली गई। अभी आपका चुनाव का घोषणा हुआ, तो चुनाव का घोषणा हुआ और देखिए तुरंत क्या ही था कि छापेमारी करने का। चलो ठीक है भाई, हम उस पर भी नहीं करते, फिर मैं पुनः कहता हूँ कि भाई ये निश्चित रूप से मैं उनको आग्रह करूँगा सीबीआई के पदाधिकारियों को कि जो जांच में आज मिला है उसको सार्वजनिक कर दे, क्योंकि राज्य की जनता जानना चाहती है कि मैं क्या हूँ नहीं।